हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्रूल्स सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जैसा कि पहले का वीडियो में मैंने बताया था कि एनपीओ जो है वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है। इन लोग हर पर्पज के लिए फंड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग फंड बना दिया, स्कॉलरशिप देना था स्कॉलरशिप के लिए फंड बना दिया, टूर्नामेंट करवाना था टूर्नामेंट के लिए फंड क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लोग फंड क्रिएट कर सकते हैं। इस फंड का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे क्या, एनपीओ जो होता है जो भी फंड क्रिएट करता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाता, इसको हम लोग दिखाता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। जितना भी फंड बनेगा, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड या स्कॉलरशिप फंड, सबको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एनपीओ क्या करता है, जितना भी फंड क्रिएट हुआ है उस फंड को अपने पास नहीं रखते हैं, उसको क्या करते हैं किसी बैंक में या किसी कंपनी में किसी गवर्नमेंट के स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंड इन्वेस्टमेंट। अगर बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट उसको बोला जाएगा, स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप फंड इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं। ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट से होने वाला जितना भी इनकम है वो सब फंड में क्या होता है, ऐड कर दिया जाता है, और फंड से जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो सब फंड से क्या करते हैं हम लोग लेस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन में किसी भी आइटम से रिलेटेड फंड है तो उसको हम लोग को बैलेंस शीट में ले जाना है, एक्सपेंसेस है तो ऐड करेंगे और इनकम है तो लेस करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक एनपीओ ने बिल्डिंग फंड बनाया, बिल्डिंग फंड के लिए उसको पैसा मिला 1 लाख कहीं से। ठीक है, इस पैसे को वो बैलेंस शीट में दिखाएगा किधर, लायबिलिटी साइड। उसके बाद एनपीओ क्या करता है, इसी फंड को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो फंड इन्वेस्ट होगा उसको बोलेंगे हम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, सपोज किसी गवर्नमेंट का स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, टोटल वहां जितना फंड बना था उसको इन्वेस्ट कर दिया, वहां से नॉर्मल से बात है इन्वेस्ट हुआ तो इंटरेस्ट तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट से जितना भी अर्निंग होगा वो सब बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम हुआ। ठीक है, अगर फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, लेकिन क्योंकि ये फंड का इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आ रहा है तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड फंड के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। याद रखना, फंड अगर है तो जो भी इनकम होगा फंड का इन्वेस्टमेंट वो बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर फंड का इंटरेस्ट का इनकम नहीं है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड जाता है। ठीक है, इसके बाद एनी कलेक्शन फॉर द फंड, जैसे बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला है। ठीक है, जैसा कि पिछला वीडियो में बताया था बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो तो बिल्डिंग फंड के साथ बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और कुछ भी एक्सपेंसेस हुआ, एक्सपेंसेस फ्रॉम बिल्डिंग फंड तो हम लोग का बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड फंड के साथ ही एड्रेस होगा। मतलब किसी भी तरह का फंड बनाया उस फंड से जुड़ा हुआ जितना भी इनकम कलेक्शन होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऐड करेंगे, जितना भी खर्च होगा उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, अब ये जो फंड भी होता है दो तरह का होता है, एक तो जो एसेट्स से जुड़ा हुआ होता है जैसे बिल्डिंग फंड, मशीनरी फंड, और कुछ फंड ऐसा होता है जो एसेट्स से नहीं जुड़ा रहता है, वो जो ईयरली एक्सपेंसेस होता है उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड बना के रखा है, तो दोनों का ट्रीटमेंट में स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, तो हम दोनों का एक एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी हम समझाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है। पहले हम लोग करते हैं टूर्नामेंट फंड या स्कॉलरशिप फंड या प्राइज फंड का ट्रीटमेंट, और उसके बाद बिल्डिंग फंड का ट्रीटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन दिया, सो हाउ वुड यू डील विद द प्राइज फंड ऑफ टाउन क्लब नगांव फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2012। पार्टिकुलर से प्राइज फंड दिया हुआ 20,000 का, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट हो गया 20,000, नॉर्मल सा बात है जितना फंड होगा उतना ही इन्वेस्ट होता है। ठीक है, प्राइज फंड कहा जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा
बैलेंस शीट में एसेट्स साइड। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट के वहां से इंटरेस्ट है 2400 का एंड प्राइस फंड प्राइस अवार्डेड 1200 का, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ फंड हो गया, सबसे फर्स्ट प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग में कितना है पहले ये देखेंगे। प्राइस फंड हो गया 20,000, ठीक है। इसमें ऐड होगा इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, जितना भी इनकम होगा, इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, कौन सा इनकम, इंटरेस्ट का इनकम 2400 है। और जितना भी एक्सपेंसेस होगा फंड से प्राइज अवार्डेड, जितना भी प्राइज दिया जाएगा, ठीक है, प्राइज अवार्डेड 1200, इसको क्या करना है, लेस कर देना, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बैलेंस ऑफ प्राइज फंड, बैलेंस ऑफ प्राइज फंड टू बी सॉल्व एज लायबिलिटी, इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, ठीक है। ये 3200 माइनस 1200 31,200। अब यहाँ एक फंड हो गया, इसका हम लोग को ट्रीटमेंट क्या ध्यान रखना, प्राइज फंड किसी भी तरह का फंड है उसमें सारा इनकम ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस सब लेस करेंगे। और ये जो इनकम हुआ है ये और जो एक्सपेंसेस है इसको हम लोग को बिल्कुल भी इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में नहीं ले जाना है, ठीक है। अगर प्राइज फंड नहीं होता, क्वेश्चन में प्राइज फंड का बात नहीं बोला है, अब कुछ ऐसा इंटरेस्ट का इनकम हुआ और प्राइज अवॉर्डेड, ये सब हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर प्राइज फंड बनाया हुआ उससे जुड़ा हुआ जितना भी इनकम है और जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब का सब फंड के साथ ही ऐड और लेस होगा, ठीक है। तो देख लेना है कोई भी इनकम है एक्सपेंस उसके अगेंस्ट में फंड है कि नहीं है, ठीक है। फंड है तो सारा ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में, फंड नहीं है तो सारा ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, किसी भी तरह का फंड है खास तौर पे प्राइज फंड, स्कॉलरशिप फंड, ठीक है, टूर्नामेंट फंड, तो उसमें अगर जो एक्सपेंस है, जैसे आप प्राइज के लिए फंड बनाएगा टोटल 22,400 इनकम हो गया, एक्सपेंसेस कितना हो गया 12, कभी कभी एक्सपेंसेस इससे ज़्यादा हो जाता है। तो अगर एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे जितना भी इनकम है या जो टोटल कलेक्शन है फंड का उससे अगर बाई चांस एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है तो उसके जो डिफरेंस आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 22,400 इनकम हुआ और एक्सपेंसेस हो गया 30,000, उस केस में जो डिफरेंस आएगा 7,600 का, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लेके जाएंगे। मतलब ज्यादा का प्राइस दे दिए हम लोग के लिए लॉस हो गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे बैलेंस जो निकल रहा हम लोग का पॉजिटिव निकल रहा, मतलब खर्चा कम हुआ, तो जो भी बैलेंस है उसको कहाँ दिखाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट में लायबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया प्राइस फंड, टूर्नामेंट फंड, स्कॉलरशिप फंड का ट्रीटमेंट, बिल्कुल तीनों का ऐसा ही होता है, ठीक है। और अगर इसके अलग बिल्डिंग फंड है तो उसका ट्रीटमेंट भी एक क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है, सो हाउ डू यू डील विद द बिल्डिंग फंड ऑफ गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। बिल्डिंग फंड दिया हुआ, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे फंड क्रिएट हुआ। बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 8 लाख, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट बिल्डिंग फंड, ठीक है, बिल्डिंग फंड यहाँ पे कितना दिया 4 लाख। इसके बाद इस बिल्डिंग फंड से जितना भी इनकम हो एक्सपेंसेस जो सब यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। पहले इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इस क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब बिल्डिंग फंड को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ इनकम नहीं है, ठीक है। लेकिन डोनेशन मिला है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के लिए फंड क्रिएट किया हुआ है तो उससे जुड़ा हुआ जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस होगा, खर्च होगा, सब यहीं पे एडजस्ट करेंगे। डोनेशन मिला टोटल 9 लाख, मिला जुला कितना हुआ 13 लाख हो गया, ठीक है। लेस करेंगे इसको जितना इस फंड से खर्च हुआ,
एक्सपेंसिव इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, एक्सपेंसिव इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कितना हो गया है 8 लाख, फिर भी यहाँ पे बैलेंस बच जा रहा है। ठीक है, बैलेंस इस बैलेंस को कहाँ लिखा है, बैलेंस टू बी शोन एस लाइबिलिटी। अब ये जो बैलेंस निकला है हम लोग का, ठीक है, इसको हम लोग कहाँ देखा है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या बात ध्यान रखना है, जैसे बिल्डिंग के लिए हम फंड बनाए, बिल्डिंग बनाने के लिए हम कुछ खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो अगर बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो जाने के बाद भी अगर फंड बच रहा है, मतलब इस पैसे का हमको अब कोई जरूरत नहीं है, पर्पस कंप्लीट हो चुका है, इफ पर्पस इज कंप्लीटेड, अगर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये टूर्नामेंट फंड स्कॉलरशिप फंड से थोड़ा सा अलग है, बैलेंस नहीं करता देखना है पर्पस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। पर्पस कंप्लीट हो गया है तो जिन ये जो बैलेंस आएगा हम लोग का उसको लायबिलिटी साइड में ही दिखाना, लेकिन उसको कैपिटल के साथ ऐड कर लेंगे, और एनपीए कैपिटल तो उसको कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल फंड के साथ क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ये तो हो गया अलग अलग तरह का फंड का ट्रीटमेंट। ध्यान क्या रखना है, किसी भी तरह का फंड हो उससे इनकम हो चाहे एक्सपेंसिव फंड के साथ ही एड हो, तो अभी कहा बैलेंस शीट में वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टूर्नामेंट फंड है, स्कॉलरशिप फंड है, तो खर्च अगर जितना भी फंड बना उससे ज्यादा हो जाता है तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड लेके जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फंड का ट्रीटमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स निकालना सीखेंगे।